हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा। लंबे इंतजार के बाद झारखंड बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर 2 जारी किया गया है। अगर आप डाउनलोड अभी तक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं और वहां से आप इस मॉडल पेपर 2 को डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्द से जाइए, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो फास्ट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का मॉडल पेपर 2 का ऑल MCQ प्लस में फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किया जाएगा। आप थंबनेल से पता कर लिए होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो खंड ए है, या खंड का जिसको बोल सकते हैं ग्रुप ए, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट दिया हुआ है और है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि MCQ प्रश्न आपको है यहाँ पर मिला हुआ है। जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है पहला प्रश्न देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब सदैव होता है एंड द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज। तो आप जानते हैं कि कॉनकेव्स मिरर में जो इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है उल्टा, अगर इन्वर्टेड बनेगा तो रियल इमेज होगा, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, सीधा इरेक्ट बनता है और साथ में वर्चुअल बनता है, जिसको आभासी हम लोग बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है कि लेंस की शक्ति या SI मात्रक है, ठीक। लेंस की शक्ति का SI मात्रक है द SI इन टू पावर ऑफ लेंस। तो इसका क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग सारे लोग जानते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डायोप्टर। डायोप्टर होता है, आप पढ़े होंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री बोला जा रहा है कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके पास कॉर्निया, ऑप्शन बी आयरिस, ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्शन डी है जो इसके लिए रोटिक लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 या क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कितना कूलम ऋणावेश होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर बोला जा रहा है कि नेगेटिव चार्ज कितने होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1.6×10⁻²³ कूलम, ठीक। और देखिए, तो इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है यहाँ पर -90 कूलम ऑप्शन जो होंगे, और जैसे कि 1.6 होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी मान लीजिए, अगर प्रोटॉन रहता तो हम पॉजिटिव में ले लेते, ये निगेटिव में नहीं होता, ठीक। और क्वेश्चन नंबर फाइव है कि ओम्स मात्रक है, ओम्स इज द यूनिट ऑफ, ओम्स किसका यूनिट है। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी करंट या धारा, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिज। इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरोध का या रेजिस्टेंस का, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप पढ़े होंगे यहाँ पर उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक। इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो संयोजन तो होता नहीं है, संयोजन मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक। ना ही उपचयन अपचयन है, ना ही विस्थापन है। तो यहाँ पर जो होगा वियोजन अभिक्रिया, हम लोग इसको कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि जल में, यानी कि जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाता है, ठीक। नेम द बेस्ट सोलुबल वाटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्कली, ऑप्शन बी क्षार या अल्कली, ऑप्शन बी क्षार या अल्कली होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्लीय विलयन pH वैल्यू अगर आप देखिएगा, pH स्केल में क्या होता है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बताया हूँ, जो मॉडल पेपर 1 है साइंस का उसमें ही बताया गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। यहाँ से लेकर 1 से लेकर कितने तक होते हैं, 1 होता है, बीच में 7 होता है सेंटर में, और लास्ट में 14 होता है, ठीक। यानी कि 7 से जितने भी कम होंगे वो हो जाते हैं एसिडिक, ठीक, और अगर 7 से ज़्यादा होंगे तो हो जाते हैं बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर बोल रहा है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ बोला जा रहा है कौन सा धातु कैमरे के ताप पर द्रव्य होता है, यानी कि विच मेटल इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक। यहाँ पर मेटल की बात किया जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए देखिए क्या है, ब्रोमीन है, ऑप्शन बी मरकरी है, ऑप्शन सी कॉपर है, और ऑप्शन डी आयरन है। तो मेटल की बात किया जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा,
पारा या मरकरी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक दो नंबर, एक नंबर वाला है। ठीक, देखिए ए है C2H4, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो ट्रिपल बॉन्ड का बात किया जा रहा है, असंतृप्त नहीं ना था, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, वो देखिए फार्मूला से एल्केन का फार्मूला तो मीथेन है, ऑप्शन सी ये नहीं होगा, और ब्यूटेन भी नहीं होगा, और यहाँ पर है जो हेक्सेन भी नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगर आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन टू है ऐसे कर लेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर दो दो कार्बन लगा देंगे, क्या हो जाएगा इसका, चार ऑप्शन होगा। ठीक, इसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 या प्रश्न 11। जो व्यक्ति दूर के वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे फिर इन द ब्लैंक से लेंस का व्यवहार करना चाहिए। तो जो दूर के वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो होगा अवतल, यहाँ पर आप भरिएगा अवतल लेंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा अवतल लेंस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 12 या 12 कि चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। जब करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, तो आप जब पढ़े होंगे ओम्स का लॉ, ठीक, ओम्स का नियम है, वहाँ पर बताया जाता है क्या कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, तो आई यहाँ पूछा जा रहा है कि आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर देखिएगा वी जिसको बोलते हैं वोल्टेज, ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विभवांतर, अगर हिंदी में लिखेगा आप तो इसका क्या हो जाएगा विभवांतर, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, विभवांतर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको सुनिए साउंड को और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात और यहाँ पर इंग्लिश में रिडक्शन, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रहा है। ठीक, उपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब अपचयन होता है, तो यानी कि इंग्लिश में अलग है और इंग्लिश में अलग अलग दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अनुपात क्या होता है बढ़ जाता है, अनुपात इसका बढ़ जाता है, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा कि ये घट जाएगा। ठीक, इसमें रिडक्शन में घट जाएगा, इसका ऑप्शन आप लिख दीजिएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आयनिक यौगिक के गलनांक क्या होते हैं, कम होता है, ज़्यादा होता है, उच्च, ऐसे कुछ वर्ड आपको फिलिस में करना है। तो आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें क्या होता है बॉन्डिंग जो बनता है वो बहुत ही टाइटली होता है, बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो गलनांक होता है उच्च होता है, उच्च, ठीक, गलनांक उच्च होता है, इंग्लिश में आप इसको हायर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का नेक्स्ट वीडियो में सब सीरीज बनाया जाएगा, अब इसमें आपको केवल MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन को स्किप कर आगे, और आपको अगर पेपर वन या मॉडल पेपर वन चाहिए तो इसका भी सोल्यूशन हम करके यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और प्रत्येक लेसन का MCQ बनाया हुआ है जो कि इस बार एग्जाम के पर्व से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका ही वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आप ऐसे प्रकार के वीडियो देखते रहें और आपका जो है एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आते हैं ग्रुप बी, जिसमें कि है बायोलॉजी क्या है या जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं, इसमें भी MCQ पहला प्रश्न है कि मछली की हृदय में कोष्ठों की संख्या होता है चैम्बर, यानी कि हार्ट, फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बात किया जा रहा है, इसका ऑप्शन वन है 2, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन डी है 4 या केवल 1, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है अलिंद और एक निलय इन केस ऑफ फिश। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ए, एक में से कोई एक सिस्टम में से पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या कह दिया है अंडाशय जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं ये तो है, ठीक, गर्भाशय यूटेरस भी है, डिम्बवाहिनी फेलोपियन ट्यूब भी है, लेकिन ये शुक्राशय ऑप्शन सी जो है, ये पिछला मॉडल पेपर वन में भी शायद क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फीमेल का पार्ट नहीं है यानी मेल हो गया। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर
29 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। ठीक, विच प्लांट वाज सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो आप जानते हैं ये पी का केथ इसका, जिसका साइंटिफिक नाम भी होता है पीजम सैटिवम। ठीक, इसका आप देख लीजिएगा यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पी जिसको बोलते हैं इसका साइंटिफिक नाम होता है पीजम। ठीक, सैटिवम इसका साइंटिफिक नाम, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 या 30 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कोयला, लकड़ी, सूर्य या विद्युत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन सी, सारे लोग इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग कौन सा गैस है। ऑप्शन ए दिया हुआ है O2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है Na3 और ऑप्शन डी है N2। तो इसका जो सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बायोलॉजी का फिल इन द बैलेंस। बायोलॉजी का फिल इन द बैलेंस क्या बोल रहा है कि पहले फिल इन द बैलेंस रिक्त स्थान है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आप जानते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए नेसेसरी फैक्टर है वो क्या क्या है फ्रेंड्स, वो है क्लोरोफिल है, ठीक, और सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जिसको बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश भी भराएगा या क्लोरोफिल हो सकता है। तो आपको एक ही कुछ भरना है तो आप जिसको भर सकते हैं, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने बुक में या नोट कॉपी में आप इसको लिख कर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारे जो प्रश्न बच जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, उसका जो सोल्यूशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बना देंगे। इससे प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।